तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा या फिर बोल सकते हैं कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, S23 के लिए One UI 6.0 या फिर बोल सकते हैं Android 14 अपडेट रिलीज हो चुका है, स्टेबल वर्जन। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि लेटेस्ट अपडेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए S23 सीरीज के लिए फिलहाल ये लॉन्च हो चुका है अपडेट One UI 6.0 का, या फिर हो सकते हैं Android 14 का। अब ये हो गया है तो सबके मन में एक ही सवाल रहता है, यार हमारे मोबाइल में कब आएगा, और या बोल सकते हैं नेक्स्ट फेज में किस अपडेट आने वाला है, या बोल सकते हैं कौन सी डिवाइस में अपडेट मिलने वाला है One UI 6.0 का। आगे आपको लिस्ट बताने वाला हूँ, ऑफिशियली लिस्ट मुझे नहीं लगता है, बट इन जो डिवाइस बताऊंगा इन डिवाइस पे नेक्स्ट अपडेट उन्हीं पे ही मिलने वाला है। कौन कौन से डिवाइस हैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, व्हाट्सएप पर ही मुझे फॉलो कर लो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो फाइनली दोस्तों उनके लिस्ट में आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो डिवाइस बताने वाला हूँ उन डिवाइस के अंदर नेक्स्ट अपडेट या बोल सकते हैं आने वाले टाइम पे सबसे पहले इन डिवाइस के अंदर ही अपडेट मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गैलेक्सी S23 का अपडेट आ चुका है। वी हैव नाउ लिस्ट ऑफिशियली लिखा है, बट मैं ऑफिशियली नहीं मानता क्योंकि ऑफिशियली वेबसाइट पे नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इन डिवाइस में आने की संभावना है। तो फर्स्ट फेज ऑफ ऑफरिंग द लेटेस्ट One UI अपडेट, यहाँ पर जो सबसे पहले अपडेट आएगा एच सीरीज के अंदर और प्रीमियम मोबाइल पे सबसे पहले आता है S23 सीरीज के अंदर आएगा, जिसके अंदर तो आई गया है। उसके बाद आएगा S22 सीरीज पे, फिर आएगा S21 सीरीज पे, एंड देन फिर आएगा S20 सीरीज पे। उसके बाद आएगा गैलेक्सी नोट वाली सीरीज पे, गैलेक्सी नोट की 20 सीरीज के अंदर आएगा और दूसरी सीरीज पे अभी फिलहाल नहीं आएगा। उसके बाद बात करें गैलेक्सी जेड सीरीज पे आएगा, जेड सीरीज पे सभी पे आएगा, जेड फोल्ड, फ्लिप 5, गैलेक्सी जेड फोल्ड 4, गैलेक्सी जेड फ्लिप 3, गैलेक्सी जेड फोल्ड 2, गैलेक्सी जेड 5G, जेड फ्लिप, ZTE। उसके बाद बात करें ए सीरीज के अंदर, ए सीरीज के अंदर आएगा A54 में, A53 में, गैलेक्सी A34 में और गैलेक्सी A33 में। उसके बाद आएगा एम सीरीज में, एम सीरीज के अंदर आएगा M54 में, M53 में, M34 में, एंड देन M33 में। ये जो अपडेट हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें बस आने ही वाले, हो सकता है इसी मंथ आ जाए या भी 2-4 दिन में ही इन मोबाइल्स में आ जाए। इसके अलावा बहुत सारे एलिजिबल डिवाइसेस हैं जिसमें आना है One UI 6.0 या बोल सकते हैं Android 14, वो धीरे धीरे लॉट होंगे, बट ये जो डिवाइस की मैंने आपको नाम या लिस्ट जो बताई है इन डिवाइस पे बस क्विकली बहुत जल्दी आने ही वाले हैं। तो यही नया अपडेट था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।